कांग्रेस विधायक सतीश अग्रवाल बोले, क्षेत्र की वन संपदा और अमन शांति अगर बचानी है तो वन मंत्री को हराना बहुत जरूरी है। कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव पर्चा भरवाने आए ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवा ने बीजेपी प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि इस क्षेत्र में वन संपदा और आमजन की खुशहाली बचानी है तो भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव हराना बहुत जरूरी है और जनता में इस बार नाराजगी है क्योंकि उनके वोट को बेचकर धोखा देकर इन्होंने जो लालच बस पार्टी छोड़ी है, इस बार चुनाव में जनता उन्हें हराकर इस बात का बदला लेगी। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव अपने पूरे सोमार पर आ चुका है। आज ग्वालियर के विधायक सतीश सिकरवार जी भी आज करा लाए हैं जो विजयपुर नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे हैं। भाई साहब कैसी क्या तैयारियां हैं, अब तो चुनाव लगभग नज़दीक ही है। देखो पूरा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है पूरे उत्साह के साथ उमंग के साथ लगा हुआ है और एक एक कार्यकर्ता अपने जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। पोलिंग बूथ स्तर पर हमारी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मुझे भी आपदा सेक्टर के 10 बूथ दिए गए हैं, उसमें कलमी से लेके और वहाँ तक के सारे बूथों की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उन बूथों पर जा जाकर एक एक मतदाता से मिल रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहा हूँ डोर टू डोर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी बड़ा उत्साह है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि जिसको कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके 40 साल तक इसको पार्टी में सम्मान दिया और 6 बार यहाँ से जनता ने विधायक बनाया, उसने जनता के सम्मान को जनता के वोट को बेचने का काम किया है पद लोलता के कारण और धन के कारण। और इसलिए जनता इस बार ऐसे गद्दार लोगों को जो जनता के मत का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता ने जिनको अपना कांग्रेस के रूप में उनको मत दिया था और उन्होंने अपना जनता से बिना पूछे जनता के बिना सलाह लिए उन्होंने वोट बेचने का जो काम किया है उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस पार्टी विजय होगी और उनको मुंगी खाना पड़ेगी। भाजपा अभी कह रही थी कि मंत्री एक चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री को हरा के जनता क्या करेगी, भाजपा की सरकार है तो मंत्री को हराना उनके लिए घाटा हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। क्या कहते हैं मंत्री को इसलिए हराना जरूरी है कि अगर मंत्री को नहीं हराया गया तो मंत्री पूरे इस कराल से लेके और विजयपुर और तमाम जो सेक्टर हैं उनको पूरे क्षेत्र को लूट के और यहाँ धन संपदा जो है वन संपदा है यहाँ और यहाँ के जो गरीब आदमी हैं जो जल जंगल जमीन की लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं उनको जंगल में से भी खदेड़ दिया जाएगा और उनको ना रहने नहीं दिया जाएगा, अपराध और गुंडागर्दी बढ़ेगी। इसलिए जनता चाहती है अमन चैन और शांति और भाईचारा बना रहे और लूट खसोट बंद हो और क्षेत्र का विकास, तो जो भी आएगा वो क्षेत्र का विकास होगा और पार्टी की जिम्मेदारी है सरकार की जिम्मेदारी है क्षेत्र का विकास करना, इसलिए क्षेत्र का विकास तो करना जिम्मेदारी है जो भी सरकार रहेगी, लेकिन लूट खसोट और जो भय का वातावरण जो बना हुआ है वो विजयपुर से समाप्त होगा। ग्वालियर में भाई साहब आपने जब महापौर का चुनाव लड़े थे तब भी पूरी सरकार लग गई थी हराने के लिए, वहाँ पे आपने इतिहास बदल दिया था, तो क्या विजयपुर में भी आज पूरी सरकार उनके साथ है तो यहाँ भी क्या इतिहास बदल दिया जाए? जनता के सामने कोई सरकार नहीं है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है, इसलिए ये विजयपुर का जो चुनाव है ये जनता की आम जनता की अस्मिता का चुनाव है। जनता अपना बदला लेगी क्योंकि जनता के वोट को बेचने का काम किया है, जनता के जो अधिकार था वोट का उनको जनता ने उनको जिता के भेजा था, उन्होंने जन अधिकार जो जनता का वोट है उसका अधिकार का हनन किया है और निश्चित रूप से जनता उनसे जब बदला लेगी और जनता के सामने कोई नहीं है, राजा रंक सब जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जनता ने ठान लिया है कि विजयपुर की जनता इस बार कांग्रेस को जिताएगी, मल्होत्रा को जिताएगी।